नमस्कार, मैं बिना संन्यासी उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आपका काफी अच्छे, काफी स्वस्थ होंगे और जन्माष्टमी आने वाली है, उसी को ध्यान रखते हुए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पंचामृत। पंचामृत किस तरह से परफेक्ट बनता है, बहुत लोगों को नहीं आता है और उसके लिए क्या क्या सामान लेना है, तो चलिए देख लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए आपने मखाने लेने हैं, ये मखाने हैं, आपने मखाना लेना है, शहद लेना है और आपने लेना है पंचामृत बनाने के लिए दूध, ज़्यादा ग्लास दूध है। मैं थोड़ा सा ये भी बना रही हूँ रेसिपी के लिए। और यहाँ पे लेना दही और यहाँ पे लेना शहद और चीनी। तुलसी पत्ता मस्ट है, तुलसी पत्ता जरूर लीजिएगा और मखाने 10-12 ले लीजिएगा। और किस तरह से बनाना है चलिए देख लेते हैं। आपने जब भी पंचामृत बनाना है उसको कांच के बॉल में नहीं बनाना है, क्योंकि पंडित जी कहते हैं मंदिर में जाता है और पूजा में रखा जाता है, कांच के बर्तन में नहीं बनाना है। स्टील के बर्तन में बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या डालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे दूध, आधा ग्लास के करीब मैंने दूध डाला है। अब डालेंगे इसमें 3 चम्मच के करीब दही। दही को फेंटेंगे नहीं, ना मिक्स करेंगे, मोटा मोटा रखेंगे। दही डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे मखाने, 8-10 मखाने डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे चीनी, शहद, चीनी और इसमें डालेंगे तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता छोटा छोटा कट करके डालना। थोड़ा सा दूध और डाल लेंगे, थोड़ा सा दूध और डाल लूंगी। और अब इसके अंदर थोड़ा सा शहद डालेंगे। शहद डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको पंचामृत इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर डलती है 5 चीज़ें। आपने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर जो डाला है ना, वो डाला शहद, मखाने और दूध, दही, अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है उस हिसाब से डाले। और इसे कहते हैं पंचामृत। और इसको मंदिर में रखिएगा और जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर में लेके भी जाए, खुद भी पिए और अपनी फैमिली को भी पिलाएं। और मखाना जरूर डालिएगा, इसमें आप 8-10 मखाने डालिएगा, शहद और दूध और दही और तुलसी पत्ता और थोड़ी सी चीनी। तो इसी तरह से पंचामृत रेडी होता है। तो चलो, जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं और इस तरह से बने पंचामृत।